छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने सबसे बड़ी घोषणा की है 2024 में। जी हाँ, 2024 की सबसे बड़ी अपडेट जो है, सबसे बड़ी घोषणा, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज जो है आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। छत्तीसगढ़ के हमारे नए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा काफी महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण पहल आप सभी के लिए किए जा रहे हैं। एक के बाद एक आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा पत्र, सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, अगर हम बात करें तो महतारी वंदना योजना पहला किस्त जो है जारी। जी हाँ, पहला किस्त जारी। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना काफी महत्वपूर्ण योजना है। छत्तीसगढ़ के सभी महिलाएं यही सोच रही कि आखिरकार उनके बैंक अकाउंट में जो है महतारी वंदन योजना से कब उनके बैंक अकाउंट में पैसों की राशि ट्रांसफर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, महतारी वंदना योजना में छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विवाहित महिलाओं के बैंक अकाउंट में जो है एक महीने में जो है 1,000 रुपये और 12 महीने में कुल टोटल जो है 12,000 रुपये की राशि आप सभी छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं के बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर होगा। 12,000 रुपये जो है सालाना छत्तीसगढ़ के सभी प्रत्येक विवाहित महिलाओं के बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर होने वाला है, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विवाहित महिलाओं के बैंक अकाउंट में मिलने वाला है। इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में सभी बेरोजगार युवाओं को जो है बेरोजगारी भत्ता का जो है लाभ मिलने वाला है। बेरोजगार जो युवा होते हैं, जो बेरोजगारी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसा दौर होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, हाई प्रोफाइल पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जो है एक अच्छा खासा अगर हम बात करें तो जॉब नहीं मिल पाता, तो वो बेरोजगारी के दौर से गुजरता है। और बेरोजगारी एक ऐसा दौर होता है जिसको सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है, और बहुत ज्यादा वो स्टूडेंट जो है परेशान हो जाते हैं, कभी कभी वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ जो है फेस करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपके थोड़े फाइनेंशियल सही से बूस्ट करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना आपको दिया जाएगा। जी हाँ, बेरोजगारी भत्ता जो है छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं को जो है आप सभी के बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे जो है राशि आप सभी के बैंक अकाउंट में पूरे के पूरे जो है पैसों की राशि जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बेरोजगारी भत्ता जो है सभी को मिलेगा। अगर हम बात करें तो बेरोजगारी भत्ता में छत्तीसगढ़ के सभी प्रत्येक युवाओं को जो है 2,500 रुपये की राशि आप सभी युवाओं के बैंक अकाउंट में जो है 2,500 रुपये की राशि जो है ट्रांसफर किए जाएंगे। 2,500 2,500 रुपये प्रति महीने। अगर हम बात करें तो कब तक जो है बेरोजगारी भत्ता आपको मिलेगा, तो आपको बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम 2 साल तक आपको जो है बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ जो है मिलेगा। जी हाँ, मैक्सिमम जो है 2 ईयर्स तक का, 2 साल तक आपको जो है बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ जो है मिल सकता है। यदि आपको 1 साल मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता और अगले साल अगर आपको जॉब मिल जाता है तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आप सभी के लिए। तो पीएम आवास योजना की किस्त भी जारी। जी हाँ, करीब जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, प्रदेश में प्रथम कैबिनेट की बैठक में ही 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास देने के बाद भी छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किए गए हैं। जी हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी चीजें होती हैं, जितने भी अपडेट, जितने भी घोषणा पत्र जो आप सभी के लिए निकल के आते हैं, वो हर एक घोषणा पत्र, वो हर एक चीजें आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी को देखने को मिल पाते हैं। तो पीएम आवास योजना की किस्त भी आप सभी का जो है जारी होने वाला है। एक एक करके जो है छत्तीसगढ़ में सभी 18 लाख गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में जो है प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना की राशि, पीएम आवास योजना का पैसा, 18 लाख आवास देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। देखिए, हर एक कोशिश, हर एक प्रयास, क्योंकि एक बार जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए जो घोषणा पत्र में जो वादे कर दिए जाते हैं, जो भी मैनिफेस्टो में आप सभी से जो जो वादे कर दिए जाते हैं, मतलब उन सभी वादों को
उन सभी घोषणा पत्रों को, उन सभी मैनिफेस्टो को पूरा करने का काम आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किए जाते हैं। उन सभी वादों को पूरा करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट जो है दृढ़ निश्चय कर लेती है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा आपके सभी वादों को फिर पूरा किए जाते हैं। तो प्रदेश में करीब 18 लाख गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है पैसों की राशि मिलने वाला है। इसके साथ जो है धान बोनस की बात करें तो धान बोनस जो है आपको 917 रुपये जो है प्रति क्विंटल की दर से आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में जो है जो बोनस का राशि है, जो बोनस का पैसा है, वो बोनस का भी पैसा आप सभी के बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये आप सभी के लिए ही बहुत बड़ी चीजें हो जाती हैं, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है। तो बीजेपी जो भी अपने वादे आप लोगों से करती है, जो मोदी की गारंटी है, जो आप लोगों से जो घोषणा पत्र में जो जो वादे किए जाते हैं, उन सभी वादों को पूरा करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उन सभी वादों को पूरा करने का आप सभी के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो इस वक्त की जो है 2024 में बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। देखिए, जो मोदी की गारंटी है, उन सभी गारंटी को जो है पूरा करने के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट, उन सभी गारंटी को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है प्रतिबद्ध है। आज नहीं तो कल आप सभी इसे जो गारंटी है, जो मोदी जी की गारंटी है, उन सभी गारंटी को पूरा करने का काम बीजेपी सरकार के द्वारा आप सभी के लिए जो है किए जा रहे हैं। चाहे अगर हम बात करें महतारी वंदन योजना से पहली किस्त की राशि, तो वो भी महतारी वंदन योजना से आप सभी महिलाओं के बैंक अकाउंट में बहुत जल्द जो है 1,000 रुपये की राशि आप सभी महिलाओं के बैंक अकाउंट में, 1,000 रुपये की राशि आप सभी महिलाओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। चाहे अगर बात करें बेरोजगारी भत्ता की, तो छत्तीसगढ़ के सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसके साथ पीएम आवास योजना की किस्त भी जारी होने वाला है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो राशि है, और करीब 18 लाख गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत करीब 18 लाख गरीब परिवारों को आवास जो है मिलने वाला है। तो ये सभी चीजें पॉसिबल हो पा रहा है, ये सभी चीजें मुमकिन हो पा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके अलावा जो धान बोनस की बात है, जो 917 रुपये प्रति क्विंटल के दर से जो धान का बोनस देने की बात है, वो भी बोनस की राशि आप सभी के बैंक अकाउंट में जो है कुछ ही टाइम और फिर आप सभी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आई होप जितने भी जानकारी, जितने भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया, सभी अपडेट, सभी जानकारी आपको पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी अपडेट पसंद आया तो वीडियो को जो है आपको लाइक करना है, चैनल पर नया है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल नोटिफिकेशन को आपको ऑन करके रख लेना है, एंड वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके आपको वीडियोस को जो है शेयर करना है, जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करना, जितना ज्यादा हो सके लोगों तक वीडियोस को पहुंचाइए, ताकि इसी तरह से नए नए वीडियोस मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए